नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं सृजन राजपूत हूं और आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये सत्र है गणित का, यानी मैथमेटिक्स के। इस सत्र में हम सीखेंगे स्टैटिक्स, स्टैटिक्स पार्ट 1। लेकर हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जुड़ी हैं आज सविता गाक मैम। मैम अकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से। मैम स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार सृजन, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार जी। तो मैम के साथ आज हम स्टैटिक्स जानेंगे। ऐसे में आपके मन में कोई भी प्रश्न आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये है 8800440559। या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं dth.class10@cieet.nic.in पर। तो आप जानते हैं कि स्टैटिक्स क्या है। किसी भी टाइप के डेटा को की कलेक्शन, क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजिंग उनके अकॉर्डिंगली करना, ये सभी स्टैटिक्स में आता है। आपने स्टैटिक्स को कक्षा 10 से पहले 9वीं, 8वीं और 7th, 6th से सभी कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन अब आप कक्षा 10 में हैं तो स्टैटिक्स पार्ट 1 में आपके लिए कुछ नया है। क्या नया है ये हम अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे कक्षा 10 के स्टूडेंट्स जो हैं इस चैप्टर में क्या नया सीखने वाले हैं आज। जी सृजन, तो जैसा कि आपने अभी बताया कि स्टैट इज द टॉपिक जिसके बारे में हमारे व्यूअर्स ऑलरेडी क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ते आ रहे हैं। इन देयर क्लास 6 देयर व्यूअर्स यू हैव स्टडीड अबाउट बार ग्राफ, देन इन योर क्लास 7 यू हैव लर्नड अबाउट डबल बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। इन योर क्लास 8 आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना सीखा, और धीरे धीरे क्लास 9 में यू हैव लर्नड अबाउट हाउ टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम, हाउ टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। सो सिमिलरली क्लास 9 में आपने सीखा था कि मीन कैसे निकालते हैं। तो स्टैटिक्स में जब हम बात करेंगे सो वी विल बेसिकली डिस्कस अबाउट द मीन्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसेस, और सबसे पहले डिस्कस करना बनता है दैट व्हाट डू वी मीन बाय स्टैट और स्टैटिस्टिक्स। यस, तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। जी स्टैटिस्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एंड विच टाइप ऑफ ब्रांच इट इज, विच डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड टू आवर व्यूअर्स, एंड देन प्रिपेरेशन ऑफ द डेटा, देन एनालाइज करना, और फिर जो भी एनालाइज करने के बाद हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं सो इंटरप्रेट करना। ऑल राइट, जैसे कि इसका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम क्रिकेट मैच हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा अच्छे से देखते हैं, तो क्रिकेट मैच जब आप देख रहे हैं और आप देखते हैं कि पहले 5 ओवर्स तक जो रन रेट है वो क्या चल रही है, देन नेक्स्ट 5 ओवर्स में रन रेट क्या है, देन 10th to 15th और में ओवर में क्या रन रेट चल रही है, तो ये सभी चीजें आप मैच देखते हुए भी एनालाइज करते हो कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगन या फिर लाइन ग्राफ की हेल्प से हमें ये चीज क्लियर हो जाती है, जबकि हमें पूरा मैच तब तक का देखा है या नहीं देखा है। लेकिन अगर आप वो डेटा को, लाइन ग्राफ को, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बीच में शो किया जाता है कि यस अप टू दिस ओवर पहले कौन सी जो टीम है वो आगे चल रही है और कौन सी टीम का जो स्कोर है यहाँ तक के लिए पीछे चल रहा है, डेफिनेटली बहुत सारे और भी फैक्टर्स रहते हैं जो आपके पिच का स्टाइल है, लेवल है, वो क्या है, वो सब रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी हेल्प करने के लिए कि आपको समझ आ जाता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, हारने वाली है, कौन सी टीम ने किस ओवर में कितना ज्यादा स्कोर किया, तो बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैट। सो जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, किस तरह से डेटा का कलेक्शन, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी लोकेलिटी में ही जानना चाहते हैं कि किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। ऑलराइट, आपको आपके टीचर ने होमवर्क दिया कि 50 हाउसेस विजिट कीजिए और 50 हाउसेस में कितने कितने मेंबर्स हर हाउस में हैं वो डेटा कलेक्ट कीजिए। ऑलराइट, उनमें से कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, कितने ऐसे हैं जो बच्चे हैं या फिर यंग पीपल हैं। तो आपने ये डेटा जब खुद से जाकर डोर टू डोर कलेक्ट किया, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसको एक इस वे में आपने अरेंज किया कि आप अपने टीचर को शो कर सके। डेफिनेटली आप 50 हाउसेस का डेटा यहाँ मेमोरी में तो रन नहीं रख सकते, यू नीड टू प्रेजेंट दैट, तो उसको प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना, देन उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करना, दिस ऑल इज नोन एज स्टैट। यस मैम। सो अभी हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे थे, दिस वॉज द वर्ड डेटा, डेटा एंड डेटा। सो व्हाट डू वी मीन बाय डेटा एक्चुअली। सो डेटा आर द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फिगर्स विच इज कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पज। ऑल राइट,
जैसे कि हमें पता है कि 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, 2001 में पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी, 2021 में कितनी थी, और अभी जो भी नेक्स्ट 2031 में जो हमारा डेटा कलेक्ट होता है, तो डेटा कोई भी जो हम कलेक्ट करते हैं उसके पीछे का कोई ना कोई पर्पस रहता है। और डेटा को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, द फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड द नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, चलिए यस स्वीजन मैम जी डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी डेटा इज व्हाट, व्हेन द पर्सन हु वांट दैट डेटा, अब वो खुद से ही अपना डेटा कलेक्ट करता है, देन दैट इज नॉन एज प्राइमरी डेटा। ऑल राइट, लेकिन अगर हमें कोई भी डेटा सेकेंडरी डेटा, हम उसे बोलेंगे डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और हमें अपना जो भी टास्क करना है हम उस प्रिपेयर डेटा को ऐसा जब पिक कर लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। इसके दो एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला कि 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी, डेफिनेटली हमारे पास अभी कोई टाइम मशीन नहीं है, 2011 का जो पॉपुलेशन का डेटा है वो हम कहीं ना कहीं से पिक करते हैं। ठीक है 2021 का डेटा हम ऐसे पिक करेंगे और इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। जी तो प्राइमरी डेटा इट इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, एंड सेकेंडरी डेटा इज नॉन एज विच इज नॉट कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर बट ही ओब्टेन इट फ्रॉम एनी अदर सोर्स। सेकेंडरी डेटा नीड्स टू बी यूज्ड विद ग्रेट केयर, दिस इज एन इंफॉर्मेशन टू आर व्यूअर्स, क्योंकि वो सेकेंडरी डेटा है, आपने खुद कलेक्ट नहीं किया तो वहां पर कोई ना कोई मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल इन हिज ऑफिस जानना चाहते हैं कि आज यानी कि 19 जनवरी को मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे इन द डिफरेंट क्लासेस प्रेजेंट हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अप टू क्लास 12, कितने कितने बच्चे प्रेजेंट है। यहाँ विंटर है उसके कारण कोई बहुत ज्यादा एब्सेंटीज तो नहीं है, उनका पर्पस है ये चीज चेक करना। तो एक तो है वो क्लास टू क्लास खुद गए और खुद से उस चीज को चेक किया कि यस पर्टिकुलर क्लास में, क्लास 10th में आज स्टूडेंट्स बहुत कम है, क्लास 8th में आज स्टूडेंट्स बहुत कम है, वहीं जाकर ही रिपोर्ट ली। और एक है कि उन्होंने डायरेक्ट वो डेटा अपनी टेबल पर मंगवाया और उस चीज को चेक किया। जी ऑल राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट थिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसेस। द वेरी फर्स्ट अमंग दीज इज अर्थमेटिक मीन और ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। सो आई हैव टोल्ड हियर अर्थमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा, देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड दैट। बिफोर डिस्कसिंग इट हम बता दें कि सेंट्रल टेंडेंसेस को मेजर करने के लिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, हमारे पास मीडियन, यस मैम मोड, ये सब हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट क्लास 10th, देन वी विल स्टडी अबाउट अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। दीज थ्री टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड विद आवर स्टूडेंट्स। ओके तो मीन ऑफ द वैल्यूज, अगर हमें x1, x2, x3 अप टू xn, जहां पर x1 से xn ये जो वैल्यूज हैं ये किसी डेटा को प्रेजेंट कर रही हैं, हम अगर इन सभी का मीन निकालना चाहते हैं तो वो निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास है। और हम मीन को शो करते हैं बाय एक्स बार, दिस इज मीन। सो लाइक मैं जानना चाहती हूँ कि 1 वीक में अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी भी बच्चे ने कोई उसके 7 डेज के 7 डेज कोई टेस्ट लिया गया और वो टेस्ट जो है 20 मार्क्स का है ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट दैट सब्जेक्ट बी मैथमेटिक्स, और कुल 7 डेज के लिए उस बच्चे ने ये टेस्ट दिया है each and every day. So in one test he is scoring 15, in next test he is scoring 16, in any of the test he is scoring 20, in any test he is scoring 10, or in any other test 17, in any test he is scoring 12 marks, in any test he is scoring 14 marks. तो इस तरह से ये जो 7 टेस्ट का डेटा हमारे पास है, दिस इज नॉन एज द डेटा कलेक्टेड, और दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x1, x2, x3 एंड सो ऑन, एंड द मीन विल बी गिवन बाय the sum of all of the observations, which can also be written as sum of observations divided by number of observations, okay, which can also be written as x1 plus x2 plus x3 plus up to xn
डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन इज प्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो अगर हमें इन मार्क्स का मीन निकालना है, दैट विल बी सिंपली द सम ऑफ ऑल दीज, दैट इज 15 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 14 होल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ दीज टर्म्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय 7. और अगर बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा की, ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या हुआ, ये डेटा जो अभी हमने बोला 7 टेस्ट के मार्क्स, दिस वाज नॉट ग्रुप्ड डेटा. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 100 मार्क्स का एक पेपर हुआ जी, और जिस क्लास का ये पेपर लिया गया, इन दैट क्लास देयर आर टोटल 40 स्टूडेंट्स एंड आई एम चेकिंग दैट कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 के बीच में आए हैं, देन वी आर ग्रुपिंग द डेटा. ऑलराइट, अगर हम 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स इस तरह से रखते हैं, ओके इस स्टूडेंट के मार्क्स 82 हैं, 96 हैं, 38 हैं, 45 हैं, तो वो डेटा को थोड़ा सा अरेंज करना, समझ पाना, और मैं जानना चाहती हूँ या टीचर जानना चाहता है कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. उसे इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ग्रुप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं एंड देन इट विल बी 0 to 10, यानी कि वो सभी बच्चों की काउंटिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके भी 0 to 10 के बीच मार्क्स हैं, वो 0 to 10 ग्रुप में लिखे जाएंगे. देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से ग्रुपिंग करके हम अपने डेटा को रीअरेंज कर सकते हैं. यस मैम. और अभी हम सीखते हैं कि किस तरह से ग्रुप डेटा का हम मीन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 3 वेरियस मेथड्स. दीज 3 मेथड्स आर डायरेक्ट मेथड, assumed mean method and step deviation method. Ji. If we talk about the direct method, the very first, and what it is actually. If the observations are x1, x2, x3 up to xn, and these observations have frequencies like f1, f2, f3 up to fn, यानी कि x1 की जो repetition है वो f1 times हो रही है, x2 is repeating f2 times, X3 is repeating F3 times, इसी तरह से बाकी सभी भी जो हमारे पास डेटाज हैं वो रिपीट हो रहे हैं. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 73 मार्क्स लेने वाले क्लास में कोई 4 स्टूडेंट्स हैं, तो 73 इज रिप्रेजेंटिंग XN, दैट कैन बी X1, X2 और X3, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 4 स्टूडेंट्स, दैट विल बी नोन एज द फ्रीक्वेंसी फॉर द स्टूडेंट्स गेटिंग 73 मार्क्स. और इसके लिए मीन कैसे निकाला जाता है, मीन निकालने के लिए सिंपली वी विल जस्ट टेक F1 इनटू X1. जी डियर व्यूअर्स, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि 73 मार्क्स लेने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए एक ही बात है, या तो आप 73 को 4 टाइम्स प्लस कर रहे हैं, और इसी तरह से कोई और डेटा 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स 1/1 आप प्लस करके डिवाइड बाय 40 कर रहे हैं, या इसे 4 टाइम्स प्लस करने से बेटर है हम 4 into 73, सो द आंसर विल बी सेम प्लस द नेक्स्ट डेटास प्लस द नेक्स्ट डेटास, सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज सिग्मा Fi Xi होल डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi. नाउ दिस सिंबल इज नोन एज sigma, and what do we mean by sigma? That is representing the sum. So okay. Sigma Fi Xi means F1 X1, first put the value of I to be 1, where I is proceeding from 1 to N. Sigma means plus F2 X2 plus F3 X3 up to Fn Xn, and the data's सम विल बी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, दैट मीन्स द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. जैसे हमने अभी जो एग्जाम्पल डिस्कस किया वहां पर सम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास. अगर वो 100 मार्क्स का टेस्ट 40 स्टूडेंट्स का ही लिया गया है, तो सिग्मा एफ आई विल बी 40. ओके, लेट अस सी एन एग्जाम्पल. एंड व्हाट दिस एग्जाम्पल इज, इट इज 30 वीमेन हु आर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर, एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट were recorded and summarized as follows. We have to find the main heartbeats per minute, mean. Okay. Mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. So we can choose any method. Abhi humne direct method seekha hai, so we will discuss about the direct method only. Sabse pehle jo aapke paas ye grouped data hai,
आपको पता है मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई या एफ वन एक्स वन एफ टू एक्स टू ये सब चाहिए, तो जी हमें एक्स आई निकालना है विच इज नॉन एज दी क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क के लिए सिंपल सा मेथड है कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है दैट विल बी डिवाइडेड बाय टू। इन द फर्स्ट क्लास इंटरवल वी कैन सी द लोअर लिमिट इज 65 एंड द अपर लिमिट इज 68, सो देयर क्लास मार्क विल बी 66.5। जी सिमिलरली 68 टू 71 देयर क्लास मार्क इट विल बी 69.5, फॉर द नेक्स्ट क्लास इट इज 72.5, फॉर द नेक्स्ट क्लास इट इज 75.5, देन 78.5, दैट मीन्स द मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। All right. After writing these class mark, what we have to do? We have to multiply these by the number of women or the frequency. So 2 multiplied by 66.5. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, you are getting here 133. इसी तरह से 69.5 will be multiplied by 4, and the result for that will be yes. You can go for 69.5 multiplied by 4 like this step by step, और आप directly सोच सकते हैं कि 69.5 is closer to 70, 70 times 4 is 280, और 280 में से आपको half, because it is 69.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 कुछ 4 times आपको subtract करना है, so you are able to write it as 278. If you want to multiply, even then you are going to get the same answer. It will be 8 here, 4 times 6 is 24, and 24 plus 3 is 27. Yes, ma'am. Okay? बिल्कुल इसी तरह से जब हम बाकी सभी डेटास को भी मल्टीप्लाई करते हैं, द नेक्स्ट डेटा दैट विल बी 72 टाइम्स 3, दैट इज 216 प्लस 1.5, सो गिविंग अस 217.5। इसी तरह से ऑन फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑल, 7 इंटू 78.5, 4 into 81.5 and then 2 multiplied by 84.5, आपके पास fi xi completely आ जाएगा। और सभी values को हमें करना क्या है, as per our formula हमें find करना है sigma fi into sigma xi, यानी इन सब values का जो भी sum है आपको sum करना है, plus करना है, वो value हम यहाँ लिख देंगे। जी हमें बोला गया है कि mean heartbeat निकाली जाए, तो मीन इज सिंपली सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होल डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई विच इज प्रोवाइडिंग अस द सम ऑफ दीज ऑल होल डिवाइडेड बाय 30 विच इज गिवन हियर। गॉट इट। सो फ्रॉम हियर यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट मेथड विच इज एज्यूम्ड मीन मेथड। कई बार क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है। मान लीजिए डेटा आपको कुछ इस तरह से दिया है दैट 100 टू 150, 150 टू 200, देन 200 टू 250, कुछ भी इस तरह से डेटा है। आप अगर क्लास मार्क निकालते हैं तो दीज आर 175, 225, और फ्रीक्वेंसी जो गिवन है दैट इज ऑल्सो लाइक 78, 38, 83, कुछ भी इस तरह से। सो अभी क्या होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उनका एडिशन करना, दैट विल बी लिटिल लेंथियर प्रोसीजर। सो अपने लेंथियर प्रोसीजर से बचने के लिए हमारे पास दो मेथड्स और हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम अपना मीन जो है वो कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेंगे, और हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि हमारे डेटा में जो मीन है दैट इज इक्वल्स टू ए। Okay. So by the assumption method, the value of x bar is given by sigma a plus sigma fi di whole divided by sigma fi. जहाँ पर a is presenting the assumed mean, हम अपने xi's में से ही किसी भी एक वैल्यू को मीन एज्यूम करते हैं। जहाँ पर d की जो वैल्यू है that is xi minus that particular assumed mean. और सिग्मा एफ आई स्टिल द सेम सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। सो हम एक क्वेश्चन हमारे सामने है, डिस्कस करते हैं इसे बाय दिस मेथड। मैम क्योंकि हमारे पास समय अभी कम है तो हम इसे भाग दो के लिए, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक का भाग दो जब हम जानेंगे तो इन दोनों ही मेथड्स को क्या हम दोबारा लेकर चल सकते हैं? तब तक हम छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे थर्ड जो हमारा मेथड है उसका ले लेते हैं। जी बिल्कुल।
So just we are moving towards the third method. So for that what we have to do, frequency यहाँ है, TI सिर्फ निकालना, एक बार हम अपने viewers को बताते हैं, XI minus A. Okay. A क्या है? X size में से कोई भी एक वैल्यू हम ट्राई करें कि अप्रोक्सीमेटली मिडल वैल्यू ले लें, उससे हमारा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाता है. सो इट विल बी 3 माइनस 17 विच इज माइनस 14, 8 माइनस 17 विच इज माइनस 9, और हमारे व्यूअर्स FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते ही दी आंसर विल बी देयर विद अस. जैसा कि आपने कहा कि लेट अस आल्सो डिस्कस द स्टेप डेविएशन मेथड एंड व्हाट दैट मेथड इज. इट इज अगेन सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई प्लस ए. यहाँ पर भी ए रिप्रेजेंट कर रहा है एज्यूम मीन को ही, लेकिन जो अलग चीज है वो क्या है कि डी आई के प्लेस पर वी आर राइटिंग यू आई. और आप देखेंगे अभी मैंने कुछ यहाँ पर स्किप भी किया है. सो यू आई इज एक्चुअली एक्स आई माइनस ए जो कि डी आई की वैल्यू थी होल डिवाइडेड बाई एच. तो जिस एच से आपने डिवाइड किया है उसी एच से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे. दिस इज द स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन. वाओ, दैट्स वंडरफुल. आपने इस सत्र को बहुत अच्छे से एकदम सरल शब्दों में, क्योंकि मैथ्स को लेके बच्चे हमेशा जो है ना डरते हैं, लेकिन अगर वो इस तरीके से जो है ना मैथ्स को स्टेप बाय स्टेप और स्टैटिक्स को लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली टॉपिक बहुत आसान है. इसका फर्स्ट मेथड तो हमने कम्प्लीटली आज के इस पार्ट वन में कर लिया है, और पार्ट टू में जब भी आप जैसे कि बता दें कि हम आगे क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस सेशन को यहीं आज खत्म करते हैं मैम. जी बिल्कुल. तो स्टेप डेविएशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड, हमारे व्यूअर्स इन तीनों ही मेथड से वेरियस डेटास का वेरियस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स को लेकर जरूर मीन कैलकुलेट करें और हमसे डिस्कस करें. हियर इज द क्वेश्चन. आप चाहें तो क्वेश्चन इज सेम, आप चाहें तो स्टेप डेविएशन मेथड से एज्यूम्ड मीन मेथड से इसी क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करें और एंजॉय करें दैट ईच एंड एवरी टाइम You will get approximately the same answer. Thank you. जी, थैंक यू सो मच मैम. मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सविता ग्राहक मैम का. मैम हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ी हैं, अकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय से. मैम आपका आज के गणित के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम. नमस्कार. जी धन्यवाद. नमस्कार. मैं अपने सभी व्यूअर्स को बता दूं हमारा 3 बजे का जो लाइव सत्र है उसका विषय रहेगा संस्कृत कक्षा 9 के बच्चों के लिए सिकता सेतु. तो कुछ ही मिनटों में आपके साथ एक और लाइव सत्र होगा, उससे आप ज़रूर जुड़ें. एक जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूँगी, एंड आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस ऑल इंडिया चिल्ड्रंस एजुकेशनल ई कंटेंट कॉम्पिटिशन फॉर द ईयर. फॉर दिस ईयर इफ़ यू आर अ टीचर एजुकेटर स्टूडेंट और इंडिपेंडेंट एजुकेशनल ई कंटेंट क्रिएटर, वी इन्वाइट यू टू सैंड your best e-content for the competition. For more details and the registration form, you can visit the activity section of our official website, that is www.ciet.ncert.gov.in, or scan the QR code on the screen. The last date for sending your entry is 20th January 2024. So one day is left. Please hurry up for this e-content competition. इसी के साथ मैं सृजन राजपूत इस लाइव सत्र से आप सभी से लेना चाहूंगी अनुमति. नमस्कार.